नाज़रीन, प्रोग्राम तारों से करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान हिना नियाज़ी। कैसे हैं आप लोग? अरे बहुत अच्छे, आज तो कमाल सूट पहना। अरे थैंक यू, आई न्यू इट कि आज मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। नहीं, बस एक चिमटे की जरूरत है ताकि आप ये गा सके, मैं नीलकणाया नीलकणा मेरे तन मन नीलो नील, मैं नीलकणाया नीलका मेरा तन मन नीलो नील, मैं सौदे कीते दिला दे, मैं सौदे कीते दिला दे, मैं तर लै लैन वकील। कोई तो कलर पे तारीफ भी मतलब कर दिया करें, अब ये भी बुरा लग रहा है क्या? बहुत अच्छा, लेकिन आप मुझसे जेलस लग रही हैं। वो कैसे? जिस दिन मैं जैसी बास्केट पहन के आता हूँ वैसा ड्रेस पहन लेती हैं। इतना फीका ब्लू पहना हुआ है आपने और मेरा इतना अच्छा है रॉयल ब्लू। मेरा पीछा छोड़ दो हिना, आई एम लॉस्ट। हिना जी, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। बाबा जी, तुसी लड़के भी नहीं हो। हाँ जी हिना जी, तुसी पहली दफा ऐसा ब्लू ड्रेस पाया ना? हाँ जी। बाबे ने 8000 दफा तो आगे पाई, फिर इस तरह की हुई जे। तो बुलाते हैं अपने मेहमानों को जी। हमारी आज की पहली मेहमान एक कामयाब मॉडल और टिकटॉकर हैं, तशरीफ लाती हैं एंजल खान। एंजल, कैसी हो आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिना, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपसे ज्यादा नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कलर बहुत सूट कर रहा है आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए ऐ होनिया ने कुड़ियां, हां जी, आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं, इनोसेंट लग रही हैं, क्या ड्रेस पहना। जब मेरे खब्बे सजे बैठी हैं चीजें, बाबे की टेंड वेख लो, एदी बाबी वेख लो, एदा जुत्ती देख लो, डैडी पे एंजल आप बैठ जाना, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। तशरीफ रखें प्लीज। हमारी दूसरी मेहमान एक बहुत जबरदस्त गुलूकारा हैं, जिनके सारे गाने ही सुपर डुपर हिट होते हैं। तशरीफ लाती हैं शाजिया मंजूर साहिबा। शाजिया जी, जी मेरी जान, कौन से गाने आजकल वायरल हैं और किन गानों पे काम हो रहा है? मेरे 3 गाने आए हैं जी। एक तो जनत मिर्जा के साथ आया था, बड़ी फेमस टिकटॉकर है, दिल मोड़ दे। उसके बाद दूसरा गाना आया था मेरा जरनाब शास्त्री के साथ जी, उनका वो गाना था तेरी लोड़ सदा। और अभी ये आखिरी जो गाना मेरा आया है अभी, वो है हॉली हॉली टूरने कुड़ी है दीदार के साथ जी। तो गानों पर काम हो रहा है, अच्छे गाने भी हो रहे हैं और नॉर्मल भी हो रहे हैं। हम लोग ज़रा कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा स्कूल ऑफ थॉट वो है ना कि लिरिक्स हमने याद करने हैं, कॉम्पोजिशन याद करनी है, वो HD दौर तो हमारा नहीं था। बिल्कुल, तो अब और तरह का दौर है। तो लेकिन ये कि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो वक्त चल रहा है उसके साथ भी कदम मिलाएं और थोड़ा सा जो हमारे अपकमिंग सिंगर्स हैं थोड़ा बहुत उनके साथ भी हम कदम से कदम मिलाएं और थोड़ा सा वो हमारे साथ भी कदम से कदम मिलाएं। तो शाजिया जी, ये जो इन तीनों गानों में मॉडल्स थी, जरनाब, दीदार जी और जन्नत मिर्जा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा तंग किसने किया? यकीन करें मुझे, किसी ने भी तंग नहीं किया, ये सारी स्वीट हार्ट हैं और सब ने बड़ा कोऑपरेट किया, तीनों के साथ काम करके बहुत मजा। दीदार के साथ मेरा पुराना ताल्लुक है, फिल्म इंडस्ट्री मैंने जब स्टार्ट की थी तो वो अभी एंटर हुई थी मेरे को आने के 7-8 साल के बाद जी, तो उनके साथ तो मेरा पुराना ताल्लुक है। लेकिन ये जो बच्चियाँ आजकल की हैं, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। आप खुद इतनी अच्छी हैं, आपको कोई कैसे तंग कर सकता है? इतनी आप जॉली सी हैं, इतनी स्वीट सी हैं, मुझे नहीं लगता कोई आपको तंग कर सकता। बल्कि जन्नत मिर्जा का हम जब वीडियो शूट कर रहे थे तो उमर था साथ में, आप देखेंगे आपको मजा आएगा कि मैंने उमर को कितना मारा है उसको, बकायदा जिसको कहते पंजाबी जी कुटिया उन्होंने, भाई ये सब बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन हमारे शो में तो किसी को बुराइयां थोड़ी बहुत करेगी तो शो आगे चलेगा। अच्छा, ये देखें कैसी बात है, आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि आप कोई ना कोई टेढ़ी बात कर दे तो वो ट्रेंड बन जाता है, वही वायरल होती है ना जी। शो हमारा तारों से करे बातें हैं, हम लोग बैठे हुए हैं सर, मैंने छोड़ दो, मेरे को क्यों बुराइयां सुननी है तुसी? ऐना ही कहना तुसी, जन्नत मिर्जा ने तो तिगनी का नाच नचा दिया। बाबा जदों तक बुराइयां ना सुने ने रोटी हजम नहीं होंगी। अच्छाई बुराई मिलके प्रोग्राम बनते हैं। इतनी मासूमियत से आप कह रहे हैं ना, मेरा दिल करता मैं कत्ल ही कर दूं ताकि आपका चैनल हिट हो जाए। एंजल,
जी, बचपन में किन बातों पे घर से मार पड़ती थी और आजकल किन बातों पे डांट पड़ती है? बचपन में मैं बहुत ज़्यादा नॉटी होती थी, मुझे साइकिलिंग का बहुत शौक था, तो समर्स में ये होता था कि मम्मा जब सो जाती थी तो मम्मा मुझे कहती थी कि नहीं जाना, लेकिन मैं छुप के जाती थी साइकिल चलाना और उनके उठने से पहले कोशिश होती थी कि आ जाओ, लेकिन कभी ऐसा होता था कि लेट हो जाती तो फिर बड़ी मार पड़ती थी। साइकिलिंग मेरा भी पैशन है। बाबा जी ताड़ा पैशन नहीं है, ताड़ी जरूरत हैगी, ताड़े कोल गड्डी नहीं हैगी इसलिए तुसी साइकिल ते धक्के खा रहे हो। तो आजकल डांट किन बातों पे पड़ती है घर से? आजकल भी डांट पड़ती है कि लेट आने पे। हम टीनएजर्स का यही मसला है, पेरेंट्स को बड़ी फिक्र होती है हमारी। ओह माय गॉड, हू इज सेइंग टीनएजर? तुझे टीन क्या करो, टीनएजर नहीं, यू आर एंजल, आई एम टीनएजर। आपको तो घर लेट जाने पे डांट पड़ती है, हमारे बाबे को घर जल्दी जाने पे डांट पड़ती है। अरे हां, बाबे ते मां प्यो कहंदे सी ओए हुनी तो तू बाहर गया, ਹੁਣੀ ਆਣ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚਪੇਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਇਆ ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਔਰ ਅਬ ਡਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। साहब आजकल कैम्ब्रिज की बड़ी सैरें हो रही हैं। ओह यस, आई विन कैम्ब्रिज, यू नो कैम्ब्रिज? Of course I do know. Yes, I mean, I'm walking the shores in Pearly Sandbox, actually I'm working to the boat, River of King, Darya di Rani. Oh, king ra matlab badshah hunda hai bhai na. Oh, chup kar ja, tu kyon nahi marda? Aise I'm impressed. आप कैम्ब्रिज तो चले गए हैं, अगर वहां से पढ़ लेते, मतलब ग्रेजुएशन आपने की है, अगर मास्टर्स कर लेते तो आप पर्चियों से देख के ना पढ़ते? मास्टर से दो तीन मियां साहब ने कठे रखे ने। आपस में डाले कैम्ब्रिज आगी। मियां साहब कैम्ब्रिज दुनिया की बेहतरीन और पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक है, अगर आप अपने दौरे हुकूमत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी बना देते ना तो लोग आपको याद करते, दुआएं देते। कितों? हेलो, How are you? Hi. So, are you married? No, I'm not. Oh, like me. I'm also single. Oh. Yes. Your bride, Chris wife, I'm wife together. Together you know? What? Yeah, together. You like me? No, I don't. There are sare tappan ne sanu vote dite ne mora laiya sher de utte thappu khada pa thappu khada pa thappu khada pa, lekin maine to balle pe lagayi hai na mohar. Balle 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 bhai balle balle bhai balle balle pe mohar laiye balle balle. I die balle, I hate Imran Khan. Mian de nare vajne hi vajne ne, mian de nare vajne hi vajne ne. Ab vote pao, vote pao, ab vote pao ke sher de pao. Mian de nare vajne hi vajne ne. मुबारक होवे भरा ने IMF भी मना लिया जे पैसे देने ते। हमने भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मान ली है और हमारी सांसें तक खींच ली है सब्सिडीज खत्म करके। तुहाडे लाडले दा कीता अगे आया जे मुआहदा उन्हें कीता सी, अमल असी करवा रहे हैं। ते जे उन्हें मुआहदा कीता सी ते उन्हें भुगतन दे दे, तुसी कादरी हुकूमत च आ गए, ओ पेट्रोल तुसी महंगा करता, बिजली तुसी महंगी करती, गैस तुसी, ओ तुसी सिर्फ चीजियां महंगी करने वास्ते आए इत्थे, ओ फिटर मु तेरे से। आप गाना डेलीगेशन कर दूं? इनके मुंह से डेलीकेसीज के अलावा और कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि इनको शौक ही बहुत है खाने का। ने लोग समझ नहीं। डेलीगेट करो ना। साडा असेंबलियां दा पंगा देश बाजावे, साडा असेंबलियां दा पंगा देश बाजावे, असां असेंबली बढ़ जाना, असां असेंबली बढ़ जाना, साडा असेंबलियां दा पंगा। बैठी अपोजिशन बुआ मद के होना मैं वजीर आजम पढ़ के असेंबली दी
ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸੌਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮਾਨੀ ਬੱਤੀ ਵੋਟਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਨਾ ਵੇਸ਼ਬਾਜ਼ਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਸੰਭਲੀਆਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਬਾਜੋ ਆਈ ਨਹਿਰ 'ਤੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇ ਬਾਅਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਲੈ ਲਈ और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद मेहमानों से जहां से गुफ्तगू का सिलसिला हमने तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। शाजिया जी, जी अपनी जाती जिंदगी के बारे में कुछ बताइए, अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये सवाल का जवाब देते देते मुझे आज 15-20 साल हो गए। ये चीजें जो है ये तो अलहदा करते हैं, अभी की नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है मेरे पास कोई, तो कर लूंगी तो कुछ वजह, वो भी कोई वजह नहीं होगी। तो ये चीजें साथ साथ ही चलती हैं। क्या कोई क्राइटेरिया है कि किस तरह का लड़का होना चाहिए? नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, सादा सिंपल इंसान होना चाहिए जैसी मैं हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। शाजिया जी माशाल्लाह से आप इतनी सुपर डुपर हिट हैं, तो अभी तक कोई सादा इंसान नहीं मिला। असल में तारों से करें बातें, जब आप सितारों की तरफ देख रहे होते हैं, सितारों के पास पहुँच गए होते हैं तो फिर आपको नजर कुछ नहीं आता, तो मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं लोग अच्छे, बहुत सारे मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो समवन स्पेशल। अपने दाएं बाएं देखे, शायद कोई 7-8 साल लड़का नजर आ जाए। मेरे दाएं पे बैठी हैं एंजल और मेरे बाएं पे बैठी हैं हिना, तो दाएं बाएं तो मैंने देख लिया। थोड़ा सा सामने भी देख ले, सामने जो कैमरा है उल्टी आप देखे ना, दूल्हा भी है दूल्हे का बाप भी है। बड़ी प्यारी खातून बैठी है, हल्का सा बाएं और दाएं के दरमियान, इतना सादा लड़का जिसे अपने बाल भी बनाने की फुर्सत नहीं। मैंने इतना सादा भी नहीं कहा, तैयार दूल्हा बैठा। जब बंदा जब घर से निकले तो फूंक मार लिया करे सर पर। फिर क्या इरादे हैं मेरे बारे में? मम्मी और पापा को भेजू? हयात ने, ओ हयात ने, ए वाह हयात ने। चल जी, मम्मी का तो ख्वाब है कब मेरे चेहरे पे सेहरे सजेंगे, कब मुझे मेहंदी लगेगी, कब मैं माइयों बैठूंगा, कब मैं डोली में बैठ के रुखसत होऊंगा। मैं अच्छी भली नहीं बताती थी मैं शादी क्यों नहीं कर दी, इन्होंने पूछ के मुझसे ना सारा फोकस आप पे कर दिया। तो उनकी ख्वाहिश जो है वो अल्लाह खैर करे कभी पूरी नहीं होने वाली। ऐसा ना कहें शाजिया जी, एक माँ के ख्वाब बिखर जाएंगे। ओ तो तुहानू जम के ही उन्होंने ख्वाब चकना चूर हो गए सन। मामा कहती थी किस दिन को काफ से को परी आएगी जो तुम्हें पसंद आएगी। परी तो आई नहीं, चिड़े लाओ लग भी ना दे घर हूं। ए आप अदा जिन हो गए ने परियां दे पीछे फिर के। ये मामा की ख्वाहिश है उनकी। शादी मेरी बहन ने कब वाक पकड़ाई लेंगी? माय गॉड। इसके बारे में कुछ सैड सा गाना बनाती हूं। बाप मैं जूते छुपाई की रस्म में हिस्सा लूंगा। नहीं इनके इन मैंने आपके लिए गाना भी सोच लिया। कौन सा? कंधा डोली नु दे जाई वीरवे। रॉन्ग कलेक्शन, इनका गाना ये नहीं बनता। कौन सा? इनका गाना वो बनता है, वे बाबुल तेरी मेरी छू। शाजिया तेरी मेरी छू। जवाब साहब खुश रहे जनाब, आप बहुत सारी तारीफ। एंजल जी, मुझे ये बताओ कि पहली बार मोहब्बत कब हुई और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? मोहब्बत पहली बार हो चुकी हुई है। अच्छा। और मोहब्बत कहते हैं कि वो मोहब्बत या इश्क होता ही नहीं जो मुकम्मल हो जाए। हाँ जी, तो अधूरी मोहब्बत रही। ओए होए। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको मोहब्बत हो जाती है और होती रहती है। और हो सकता है कि अभी भी मुझे किसी से मोहब्बत हो। अच्छा, खबरदार जो तुम बोले। बाबा जी दूजी ट्राई करो। इसीलिए मैंने कहा था एंजल मेरी आंखों में मत देखो, जो मेरी आंखों में देखता है उसे मुझसे मोहब्बत हो जाती है, और जो गौर से देख रहा है उसकी आंखों में कुकरे भी आ जाते हैं। एंजल, जो पहली मोहब्बत थी उसका क्यों ऐसा अंजाम हुआ, क्यों वो आपको छोड़ के भाग गया, और अब कौन सा कुर्बानी का बकरा हाथ लगा हुआ है आपके? नहीं नहीं, कुर्बानी का बकरा तो नहीं है। खैर, जिससे मोहब्बत हो वो कुर्बानी का बकरा ही होता है। सुबह सुबह फोन आता है,
हेलो बैलेंस नहीं करवाया अभी तक आप। दोपहर को फोन आता खाना भिजवा दें, शाम को फोन आता गाड़ी नहीं भेजी मैंने बाहर जाना है। कुर्बानी का बकरा ही हो गया, मैं बदगादी रह गई। नहीं नहीं मेरी ऐसी कोई डिमांड्स नहीं है, ना मैं इतनी डिमांडिंग हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास सब कुछ है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे को सारा कुछ, सानू भी तो कुछ दे ना। बस मैं रमजान का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी कह रहा था मुझे ईद का चांद क्यों लोग कहते हैं। अच्छा किड्डी बेवकूफ लड़की है, रमजान का इंतजार कर रही है भी अगों ईद आ रही है। तुम बाबा जी खल दे दो, पावे दे दो, सिरी दे दो, किलो का गोश्त दे दो। बाबा सीरियां बहुत अच्छियां पौंदा जे। वैसे आपका आइडिया बहुत अच्छा है, मैं इस पे जरूर गौर करूंगी। बाबा जी ने चार दफा मोहब्बत हुई है, वो चारों बेचारियां हुन कागज चोक दियां फिर दियां। बाबे ने खादा ही उन्हां को इन्ना है। की काम लै रहे उन्हां कोलों, कितने होर व्याहुंदे के होने। शाजिया जी आप तो गाने गाती हैं, फौरन से वायरल हो जाते हैं, सुपर डुपर हिट हो जाते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ सिंगर्स मौजूद हैं, प्यारे खां, टीरे खां और उनके प्रमोटर असलम। अच्छा। गाने ये लोग नहीं गाते, जो अच्छा गाते हैं बस उनको नजर लगाते हैं। जो अच्छा गा रहे होते हैं इनसे देखा नहीं जाता, बस उनका गाना खराब करते हैं। Really? जी पता नहीं ये चाहते क्या हैं, ना अभी तक समझ आई है कि गुलूकार हैं ये क्या करते हैं, बस जो इनके अंदर है वो गा देते हैं। बताओ हम बड़े कंफ्यूज हैं। 30 साल से आप लोग गाना गा रहे हैं लेकिन आपका नाम किसी ने नहीं सुना। मतलब शाजिया जी है ना, बच्चे बच्चे को पता है, आपका किसी को नहीं पता मेरे अलावा। शाजिया जी ए एडे भी माड़े सिंगर नहीं, मैं इन्हां दी प्रमोटर हाँ। अज भी इस दौर च 1200-1300 रुपए का शो ला लेंगे। शाजिया जी तुसी ते वड्डे वड्डे कॉन्सर्ट करते हो ना, इन्हां दे भी कॉन्सर्ट कोई माड़े नहीं होंगे। ऐ कल वर्कशॉप दी ओपनिंग ते इन्होंने 2 घंटे गाया। गाया 2 घंटे ही है पर वर्कशॉप दी टाकियां 4 घंटे धोतियां ने। मतलब यारी मैं इन्हां नूं गाने दी दात दे कि इन्हां दी हरकतां दी। आप लोग इतना बुरा गाते हैं, आप लोग रियाज करें शायद बेहतरी आ जाए, आप लोगों की आवाज ही बेहतर हो जाए, कुछ सुर का आपको पता चल जाए, कोई उस्ताद ही रख लें। बहुत अच्छे, क्या कहने, सारी दुनिया सानू उस्ताद कहंदी और असीं उस्ताद रख लिया। बचपन तो लेके अज तक इन्नी खारिश नहीं कीती जिन्ना रियाज कीता है। ना जी इनसे पूछे, उस दिन कराची में मैंने इनका पूरे 12,000 रुपए का ना फंक्शन लगवाया है। ओलैदा गल है, किराया इन्हां दा 17,000 रुपया लग गया। 12,000 का फंक्शन, 17,000 इनका किराया लग गया, तो पीछे इनको क्या बचा? इन्हां नूं 22,000-24,000 बच गया सी। वो कैसे? ट्रेन च मंगदे गए ने सारा रास्ता। असलम तू कहन डिया 12,000 दा फंक्शन इन्हां दा तो लवाया है, ते जिन्हां ने फंक्शन करवाया सी उन्हां दा 2,00,000 रुपया लग गया। बस करो थले ला जाओ। पता क्या करें, इनको बाहर ले जाए, पाकिस्तान में बहुत टूर करा लिया, अब इनको इंटरनेशनल टूर कराए, क्योंकि उस्ताजी दा मुंह हुणी सैड हो गया, पता नहीं ऐसे ते काम मिलदा नहीं बाहर, पता नहीं की होना। नाइजीरिया दा फंक्शन ना इना दा मैं मिस कराया, हालांकि साडे घर दा सी, उधर वाइल्ड लाइफ वाले बुला रहे सन के बांदर अगे गाणा है। असी ते शादी जी बांदरां दे अगे गाउंदे ही नहीं, सानू पहले बड़े हाथ लगे। क्या हाथ लगे हैं? बांदर बड़े मनहूस हुंदे है जी, सारा गाना सुन लैंदे, जदों वेल देण दी वारी हुंदी दौड़ के दरख्त ते चढ़ जांदे ने। क्या मैनूं ते तुहाडी सोच ते मजा आ रहा कि बांदर गाना सुनदे ने। बांदर ही इना दा गाना सुनदे। एक दिन इन्होंने बांदरां दे अगे गाया, शाजिया जी बड़ी तबीयत खराब ਦੁਬਈ और सारे सेंटरी वर्कर उन्हें कट्ठे करके साडे सामने बारते कहंदे इन्हां नूं सुनाओ। और असीं उन्हां ने वेखो मैनूं जो बुआ आउंदी सी किन्नी गाउंदी होणी उह, मैं तो नक ते हथ रख के गाया उस। इन्हां ने नक ते हथ रख के गाया ते उन्हां ने नक ते हथ रख के ते कन्नां च उंगलां दे के इन्हां दा गाना सुणिया। ताज जी ते दुबईयां वापस ही नहीं सी आ रहे। क्यों? इन्हां नूं पता लग गया सी सेंटरी वालेयां दी 20 दिरम दिहाड़ी है। उहदी बहुत सारियां तालियां इन्हां सारियां वास्ते जिहड़े हसांदे ने सानूं। आप सबके लिए बहुत सारी शाजिया जी,
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਚਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਗਾਣਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੂਸੀਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਿਰਫ ਮੂਸੀਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਆ ਐਡਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੋ। ਬੋਲੀ ਕਚਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਚਰੇ ਮੇ ਰਹਿਨੇ ਦੋ ਕਚਰਾ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਕਚਰਾ ਜੋ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤੋ ਬੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਚਰੇ ਮੇ ਰਹਿਨੇ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਆਪ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ, ਕਚਰਾ ਰੇ ਕਚਰਾ ਰੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ ਕਾਰੇ ਨੈਣਾ, ਕਚਰਾ ਰੇ ਕਚਰਾ ਰੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰੇ ਕਾਰੇ ਨੈਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਨਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਲਕਾ ਜੀ ਤਾਜ ਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖਰੇ ਧੌਣ ਲਾਉਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਨਹੀਂ? ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਕਈ? ਮਸਲਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੈਂਗਰੂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਘਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਨਹੂਸ ਆਏ ਆਪਕੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਡੁਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਹੂਸ ਹਾਂ, ਆ ਨਹਾਇਤ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਣਾਈਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਆਟਾ ਨਾ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਤੇਲ ਨਾ ਪਵਾਈਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਤੇ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ, ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦਾ, ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਏ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਹਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪਕੀ ਜਾਨ ਕੋ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਸਤੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਡੁਇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲੋਕ ਇਸੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ? ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਊਟ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 27 ਗਾ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਢੋਲ ਮਾਇਆ, ਅਬੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀਆਂ, ਭੇਂਜ ਨਾ ਰੋਲ ਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਆਇਆ, ਅਬੇ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਓ, ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਹਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਇੰਨਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਓ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੀ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਾਨੋ ਹਾਨੋ ਰੇ, ਹਾਨੋ ਹਾਨੋ, ਹਾਨੋ ਹਾਨੋ ਰੇ, ਗਾਓ ਸਾਰੇ ਹਾਨੋ ਰੇ, ਆ ਹਾਨੋ ਹਾਨੋ, ਆ ਹਾਨੋ ਹਾਨੋ, ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਹਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਮਹਿਮਾਨੋ ਸੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਮਨੇ ਤੋੜਾ ਥਾ, ਵਹੀਂ ਸੇ ਆਗੇ ਬੜਾਤੇ ਹੈਂ। ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਮੱਖਣਾ ਗਾਣੇ ਸੇ, ਉਸਕੇ ਰੀਮਿਕਸ ਸੇ ਆਪ ਔਰ ਨਿਰਮਾ ਜੀ
को बहुत शोहरत मिली। मुझे ये बताएं कि गाना करने का ख्याल कैसे आया। एक्चुअली जब ये एल्बम हुई थी उस वक्त मुझे कुछ 6-7 साल हो गए थे हिना जी, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करी थी, सारे कंपोजर्स के साथ किया, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ भी किया। तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसे लगा कि जैसे मुझे एल्बम्स की तरफ भी जाना चाहिए। मैं उर्दू गाने कर रही थी, बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने 8-9 साल फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ उर्दू गाने गाए। उसके बाद ऑल टुगेदर सारा ही जॉनरा चेंज हो गया, मुझे पंजाबी गाने पड़ गए। और वो ऐसे हुआ कि हमने एक टूर किया था इंडिया का, मैंने नाशन भट्टी साहब के साथ जी, मुझे अभी तक याद है, वो अल्लाह उनको करी के रहमत करे, बहुत ही प्यारे इंसान। वहाँ मैंने एक तकरीब में उनको गाते हुए देखा चंद मेरे मखना, और आप यकीन करें जब उन्होंने वहाँ पर वो चंद मेरे मखना गाया और दुनिया इंजॉय कर रही है, सरदार नाच रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैंने शो के बाद भट्टी साहब से कहा, मैंने कहा सर अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं ये गाना करना चाहती हूँ। देन ही सेड कि शाजिया ये गाना जो है ये ऑलरेडी एक फोक है, और मुझे इंडिया से कैफी साहब को किसी ने, उनके छोटे भाई उनको किसी ने सुनाया था, तो कहते यू कैन डू इट, तुम करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैंने कहा सर मैं ड्यूएट करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले भी ड्यूएट ही गाया था माला बेगम के साथ। तो वो करते करते बहरहाल ये हुआ कि जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा कर दें, हम ड्यूएट किया हमने, जब उन्होंने सुना गाना उन्होंने कहा आप इसको सोलो करें। इस तरह से ये सफ़र शुरू हुआ। और उस वक्त जब ये गाना हिट हुआ था तो एक ही चैनल होता था PTV जी, और लोग उस पर देखते थे। निर्मा जी को भी बहुत इज्जत दी अल्लाह ताला ने, और मुझे भी बहुत इज्जत दी, इसमें कोई शक नहीं। तो शाजिया जी कैसा फीडबैक था भट्टी साहब का जब उन्होंने ये गाना सुना? मैं सच बताऊं मुझे बड़े ही प्यारे बड़े ही शफीक इंसान, अल्लाह ताला उनको करी के रहमत करे, उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा बेटे बहुत तुम्हें मुबारक हो और तुमने बहुत अच्छा गाया है, क्योंकि चंद मेरे मखना उससे पहले मैंने इस तरह से पंजाबी गाना कोई गाया नहीं था जी। तो मुझे उन्होंने बहुत दाद दी और बड़ा प्यार किया, उन्होंने कहा माशाल्लाह अल्लाह ताला हिट करेंगे इसको। वाह वाह वाह। एंजल ये कहा जाता है कि जब तक मॉडल्स सोशलाइज नहीं करती, PR नहीं करती, अपनी अच्छी PR नहीं होती, इवेंट्स पे नहीं जाती, पार्टीज में नहीं जाती, तो उनको काम नहीं मिलता, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, इज़ दैट सो? देखिए स्ट्रगल तो आपको किसी भी काम में, आप कोई भी काम करें उसमें आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। और सोशल मीडिया का मतलब भी यही है, और मॉडल्स का आना जाना मिलना जुलना ज़रूरी होता है। सोशल मीडिया का मतलब भी यही है कि आप सोशलाइज करें। PR तो ऑब्वियसली कोई भी काम हो, नॉट इवन इन मॉडलिंग, नॉट इवन इन TikTok पे, मतलब हर मीडिया में हर उस पर आपको सोशलाइज करना पड़ता है। हाँ, जरूरी ये तो जरूरी है। और PR तो आपको किसी भी काम में, इवन इन बिजनेस PR तो बहुत जरूरी है। मेरी भी बड़ी PR है, मैं भी बड़ी सोशलाइजिंग करता हूँ। आप वैसे काम सोशलाइजिंग कम बातें बहुत ज्यादा करते हैं। आप कौन से इवेंट्स में जाते हैं जो सोशलाइज करते हैं? मैं तो हफ्ते में 2 बार इवेंट्स पे जाता हूँ, बल्कि इवेंट्स ही मैं अरेंज करता हूँ। अच्छा, मसलन पिछले हफ्ते मैं अपने वर्ग के सारे बुजुर्ग इकट्ठे करके ना नहर ते नहाउण गया सी, ते दुआना में मेरा अपना ही सी। बाबे दे इवेंट एनजी होंदे ने, किसे दी दुआ पड़ाई, किसे दा अफसोस कराए, या किसे दी माई मर गई उन्हां नू मशवरा दे आए, किसी बेवा दे घर जाके राशन दे आए, ऐही इवेंट ने बाबे दे। किसे बेवा औरत नू सिलाई मशीन दे के ते सारी जिंदगी उते आसान जितोंदे रहे, हर महीने बाद कहंदे 100 रुपया रेट वधा दे कपड़े दी सिलाई। एंजल मेरे काफी म्यूजिकल इवेंट्स भी होते हैं। किस टाइप के, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। एंजल जी जूस वाली लेडी तुसी आवाज नहीं सुनी, 5 रुपए गिलास 5 रुपए गिलास, वो बाबा जी दी आवाज हुंदी उथे। शाजिया जी, किस सिंगर के साथ दिल से डुएट करेंगी, किसके साथ म्यूजिक डायरेक्टर के हुक्म की वजह से करेंगी, और किसके साथ उसका दिल ना टूटे आप कर लेंगी डुएट? ऑप्शंस हैं आपके वारिस बेग साहब, अनवर रफी साहब, साहिर अली बग्गा। अपने दिल से किसके साथ करेंगे? अपने दिल से वारिस के साथ, मैंने क्योंकि उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, मैंने बहुत काम किया है। म्यूजिक डायरेक्टर के हुक्म पे आप कह रहे हैं एक नाम चुनना है, तो अनवर रफी साहब ठीक है। और बग्गा साहब का दिल ना टूटे उनके साथ भी आप? साहिर अली बग्गा और मैंने इकट्ठे अपना करियर स्टार्ट किया था, मेरे बहुत सारे एल्बम किए हैं, तो ही इज अ डार्लिंग, बहुत प्यारा, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं उसके साथ। अच्छा। उसके साथ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मस्त तैयार है। ओके, फीमेल सिंगर आपकी फेवरेट कौन है? पाकिस्तान से जी, पाकिस्तान से तो पाकिस्तान ही तो है सारी दुनिया में। अरे नूरजहां को ले लें आप, माला बेगम को ले लें आप, मैदी हुसैन साहब को ले लें, अभी तो खैर फीमेल की बात हो रही है जी, लेकिन मैं बात कर रही हूँ आयरन परवीन हो गई। मुझे जो फीमेल आर्टिस्ट यहाँ पे मैडम नूरजहां के बाद जो सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी जुबैदा खान। अच्छा, जुबैदा खान इंतहाई खूबसूरत पंजाबी गाई उन्होंने, जैसे आपने सुना होगा दिला वाह ठहर जा यार दा नजारा लैण दे, कोई आंधी वारी सजना गल कहण दे, कोई आंधी वारी सजना गल कहण दे, मुझे इंतहाई
पसंद और मेरी बड़ी फेवरेट सिंगर ऑल टाइम। एंजल जी, टिकटॉकर्स में कोई पसंद हो, कोई क्रश हो आपका? टिकटॉक पे तो खैर मेरा कोई क्रश नहीं है और मैं किसी का नाम भी कभी नहीं लूंगी क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बन जाएगी। हाँ, क्योंकि लड़कियों के लिए स्पेशली कंट्रोवर्सीज तो यूं फटाफट बनती है, मॉडल्स के लिए स्पेशली। तो वैसे मेरा क्रश जो है इंडस्ट्री में वो फिरोज खान पे है। फिरोज खान, नाइस, जबरदस्त। आपका रैपिड फायर राउंड है एंजल, मैं आपको कुछ खसूसियात कह लें, कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊंगी पर्सनालिटी के, आपने बताना है कि किस टिकटॉकर का नाम आपके जहन में आता है जब मैं ये खसूसियात बताती हूँ। शर्मीली या शर्मीला? शर्मीला जुलकरनैन। जुलकरनैन। रंगबाज? मिस्टर सिड रैपर। चुगलखोर कौन है? हीरा खान। थरकी कौन है? उमरी। उमरी। ओके। छोड़ू कौन है? मिस्टर जैरी। मिस्टर जैरी। मिस्टर जैरी जितना, ये मेरी 10 करोड़ की घड़ी, ये मेरी 5 करोड़ की गाड़ी, ये इतना छोड़ते हैं वो टिकटॉक पे और वो छोड़ने से ही फेमस हुए हैं। अच्छा, छोड़ने की वजह से ही फेमस है। जी जी जी। ओके, जबरदस्त। साडा बाबा भी बड़ा वड्डा छोड़ू है, किसे कोलो भी 1500 नहीं छोड़दा। मैंने तो नहीं कहा कि मेरी 5 लाख की घड़ी है, मैंने तो नहीं कहा। इना बाबे च लक्कड़ ते पत्थर इकट्ठा होया ना, अख पत्थर दी, गुर्दियां च पत्थरी, फेफड़े च पत्थरी, उंगल पत्थर दी, पत्थरी है मुंह बात, आप पत्थरों वाला। इना वास्ते फिर गाना गा देने, पत्थर के सनम तुम्हें हमने, अगे नहीं मैं गाना साढ़े तो बनता ही नहीं हो। मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, हर के सनम। भले आपने मुझे रिजेक्ट किया लेकिन मुझे मजा बड़ा है। आपको भी रिजेक्ट कर सकता है जनाब। शाजिया जी। जी मेरी जान। आपकी शख्सियत की कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपके फैंस नहीं जानते? बहुत अरसा लोगों को लगा रहा है शाजिया मंजूर एक जालिम औरत है, बड़ी गुस्से वाली है और बात बर्दाश्त नहीं करती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप तो इतनी स्वीट है, हम्बल पर्सन हमेशा से। 1 तो ये हो गई और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज पहली दफा मैं आपसे मिली हूँ, बट डाउन टू अर्थ, हम्बल एंड स्वीट इतनी ज्यादा है, आपके साथ इतना मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। नंबर टू, गुस्सा मुझे चढ़ता है, यानी कि नहीं चढ़ता, लेकिन नॉर्मली बहुत गलत बात पे चढ़ेगा, अदरवाइज चढ़ता ही नहीं, क्योंकि लोग देखते हैं बोल लेती है आवाजों का। गुस्सा मुझे चढ़ता है गलत बात पे, और अगर ना हो रही हो तो मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। गुस्से में बर्तन तोड़ देती हैं, ऐनक तोड़ देती हैं। नहीं, ऐनक नहीं तोड़ती, क्योंकि मेरे पास एक ही होती है। बर्तन भी तोड़ देती हैं और सर भी फोड़ देती हैं। ऐ साडा बाबा ना गुस्से दा बड़ा ठंडा बंदा है। बाबे मुक्के मार लो कुसुन्ने चपेड़ा, बाबा कुछ के गा नहीं। और जदों ज्यादा गुस्सा चढ़ता ना, सिर्फ खाना बहुता खाता। और तीसरी बात ये कि जो अब हमारे जो बड़े हैं जी, जिनसे हमने सीखा है, जैसे मैं मादाम की बात करती हूँ जी, और नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ एक फिल्म की थी, मैं बड़ों को अदब जरूर करें, रिस्पेक्ट जरूर दें उनको। एंजल जी, मुझे ये बताओ कि शॉपिंग कहाँ से करती हो, क्या कोई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है कि मैंने दुबई जाके शॉपिंग करनी है, पेरिस से ये चीज़ मंगवानी है, या नहीं रैंडमली कहीं से भी कर लेती हो? नहीं, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने, मैं बहुत ब्रांड कॉन्शियस हूँ। मेरे में सबसे, मतलब कि अगर कह सकते हैं कि बुरी बात है, क्योंकि मेरी मदर, मैं एक ही बेटी हूँ तो शुरू से लाडली थी। हाथ फेंको, मैं भी। मेरे साथ भी, हाँ, भी अकेला बेटा। कथों 11-12 बुजुर्ग असी वेखे ने, रिनाल दे तुसी कितक ले हो, वो मेरे बड़े ने। अरे तुम छोटे हो, छोटे ने जी, ये छोटे तो बड़े क्या होंगे। एंजल, आप बता रही थी ब्रांड कॉन्शियस हो और इकलौती हो, तो ब्रांड्स का ही शौक है? ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज्यादा हूँ, जिसकी वजह से डांट भी अक्सर पड़ती है कि क्या इतने महंगे बैग, 3-3, 4-4 लाख के जूते। तो अभी तक की सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या ली, कोई ऐसा ज्वेलरी पीस, कोई ऐसा जूता, कोई बैग? मेरे पास बैग्स की बहुत ज्यादा कलेक्शन है। बेटा एंजल ना दसी दा हीरा ने अखीर ते तेरे को एक एक बैग ले लेना अपने सूट दी मैचिंग दे मुताबिक। इसलिए सुबह सुबह तू मैं मैसेज करना, एंजल तुमने ब्लू सूट पहना, इसकी मैचिंग का तुम्हारे पास कोई बैग है? तुम प्रोग्राम में आई थी ना, मैं
शाजिया जी जी मैं आपकी आवाज कौन सी एक्ट्रेस पर एज प्लेबैक सिंगर मौजू है? ये आपके ऑप्शंस हैं, मायरा खान, महविश हयात, माया अली। महविश हयात। किस पर गुजारा? माया खान। माया अली पे? माया अली। माया अली पे गुजारा। और किस पे बिल्कुल सूट नहीं कर रही? एक्चुअली ना मैं हूँ प्लेबैक सिंगर, हमारा जो टोन होता है कल्चर टोन होता है, हमारा हमें हर एक के चेहरे के मुताबिक अंदाज के मुताबिक अपनी टोन को ढालना पड़ता है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप कहती हैं तो बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी तो मिशी खान पे। मिशी खान पे। ओके ओके, जबरदस्त।